आज की इस वीडियो में जिस भी समस्या की बात करेंगे वो सभी किसानों की कॉमन समस्या है। वो समस्या ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेहूं बिजाई के तुरंत बाद हम गुलडंडे की रोकथाम के लिए या तो अवकीरा का प्रयोग करते हैं या बासफ की जीतुआ या फिर मोमोजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन तीनों दवाइयाँ जो है वो एक ही सेगमेंट की है, एक ही मॉलिक्यूल है और रेट का जो फर्क है वो तीनों में अलग अलग है। तो यहाँ पर फार्मर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है। कोई तो ये कह रहा है जी दुकानदार ये कह रहा है अवकीरा ले लो आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा, कुछ ये कह रहे हैं कि अवकीरा सस्ती है जिदुआ महंगी है तो महंगी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। दोनों के अंदर जो रेट का डिफरेंस है वो क्यों आता है, इसके ऊपर सबसे बड़ा जो रीजन है उसके ऊपर हम बात करें ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वह ना हो। जैसे कि आप सभी किसान साथी जानते हो कि अवकीरा के अंदर जो टेक्निकल है वो पाइरोक्सी सल्फोन है और इसके साथ में बंकर देते हैं 2 लीटर जिसमें पेंडा मेथलिन है। वैसे ही सेम जो जिदुआ है पाइरोक्सी सल्फोन है जो आप पैकिंग देखते हो छोटी 60 ग्राम वाली, उसके साथ में स्टंप देते हैं जो कि पेंडी है 2 लीटर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो फर्क है रेट का वो ये आता है कि जो ये आप बंकर देख रहे हो ये तो दो पहले इसकी पैकिंग देखो, आपको हल्की नॉर्मल सी पैकिंग यानी कि पैकिंग के ऊपर कोई ज़्यादा खर्चा किया हुआ कंपनी का यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पर भी जो कंपनी की कॉस्ट है वो बच जाती है। दूसरा ये जो पेंडी है बंकर वाली जिसके अंदर टेक्निकल है ये PI कंपनी खुद नहीं बनाती है, ये हिंदुस्तान कंपनी जो पंजाब की कोई बठिंडा के अंदर प्लांट है इनका, ये जो कंपनी है वो इसको बनाकर दे रही है, यानी कि बनाने की जो कॉस्ट है कंपनी की ब्रांडिंग की वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें बासफ कंपनी की तो स्टंप जो इनका एक ब्रांड है वो ब्रांड खुद अपना बासफ बना रही है, तो ब्रांड की वैल्यू पेंडी की आप इसके बंकर के मुकाबले आप नहीं कर सकते क्योंकि रेट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो फर्क है वो आपको देखने को मिल जाता है। इन दोनों दवाओं के अंदर आप जो ये 2400 या फिर 2600 का जो रेट डिफरेंस 200 रुपये का देख रहे हो वो जो रेट डिफरेंस है वो पेंडी ने किया है ना कि टेक्निकल ने किया है। दूसरा आपको एक मजे वाली बात आ रहा हूँ, ये जो पाइरोक्सी सल्फोन टेक्निकल है आप जिदुआ देख रहे हो, जिदुआ ये बासफ कंपनी का खुद का प्रोडक्ट नहीं है, जो टेक्निकल है वो बना के दे रही है इसे PI कंपनी, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर बाय PI। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर कोई ब्रांड है वो बना के देने वाले से सस्ता हुआ तो ब्रांड की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो कभी भी नहीं चाहता कोई कि ब्रांड पिट जाए। तो किसान साथियों जिन किसानों को वहम है कि 200 रुपये का फर्क है तो वो फर्क आप पेंडी को मान के चले, पेंडी के अंदर फर्क है, एक तो हिंदुस्तान कंपनी बना के दे रही है जो लोकल कंपनी है और दूसरा जो बासफ कंपनी का स्टंप आता है अगर वो स्टंप को सस्ता कर देगा तो ब्रांड पिट जाता है, तो कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा जो ब्रांड है वो पिट जाए। दूसरा आप ये मत समझना कि अगर बंकर सस्ता है तो उसका जो रिजल्ट है वो कम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन जो आपको सही लगे जो आपको सस्ता मिल रहा है आप उसे प्रेफर कीजिए क्योंकि हमारा मेन मोटिव होगी हमारे जो पैसे है वो बचने चाहिए, हमें तो हमारे जो पैसे है वो बचाने ना कि हमें ब्रांड के पीछे भागना है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आपको जो कन्फ्यूजन थी वो आपकी दूर हो चुकी।